दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पॉपुलेशन के बारे में। पॉपुलेशन यानी जनसंख्या। आज हम बढ़ती जनसंख्या से बहुत ही परेशान हैं। वही दुनिया के सरकार जनसंख्या रोकने के लिए कुछ ना कुछ योजनाएं बना रही है, पर फिर भी यह जनसंख्या रुकने का नाम नहीं ले रही है। पर क्या जनसंख्या के कुछ फायदे या नुकसान हो सकते हैं? तो चलिए जनसंख्या के बारे में अच्छे से समझते हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। एक रिपोर्ट के मुताबिक अभी फिलहाल दुनिया में 800 करोड़ लोगों की जनसंख्या है, जिसमें से 50.42% पुरुष है और 49.58% स्त्री है। इस मैप में आप देख सकते हो कि किस देश में ज़्यादा महिलाएं और पुरुष है। जो देश नीले रंग का है वहाँ सबसे ज़्यादा महिलाएं हैं, और जहाँ लाल रंग का देश है वहाँ सबसे ज़्यादा पुरुष है, और जहाँ हरा देश है वहाँ पर जेंडर की मात्रा लगभग बराबर है। तो अभी हम यह जानते हैं कि जनसंख्या बढ़ने से हमें और इस दुनिया को क्या लाभ हो सकता है। जनसंख्या बढ़ने से दुनिया में टेक्नोलॉजी में बढ़ोतरी होगी, यानी नई नई टेक्नोलॉजी की खोज की जाएगी, और दुनिया में आर्थिक विकास होगा, यानी अधिक लोग अधिक माल उत्पादन करेंगे, जिससे अपने अपने देश का विकास होगा। अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो जीडीपी का भी ग्रोथ होगा, और यदि कोई राष्ट्र में युवा जनसंख्या ज़्यादा हो तो वह उस युवाओं का राष्ट्रों को आगे बढ़ाने में उपयोग कर सकता है। तो अभी हम यह जानते हैं कि जनसंख्या बढ़ने से हमें क्या नुकसान हो सकते हैं। जनसंख्या बढ़ने से मीठे पानी की कमतरता हम सबको महसूस होगी, यानी पीने के पानी की कमतरता हमें ज़रूर महसूस होगी। कहीं ना कहीं जनसंख्या बढ़ने से पर्यावरण को नुकसान होगा, जिससे दुनिया में अनेक प्रकार के प्रदूषण बढ़ेंगे, और तो और स्वस्थ भोजन की भी कमी का अनुभव हो सकता है। पर यह जनसंख्या जो बढ़ रही है इसके पीछे क्या वजह है? दरअसल सबसे बड़ी वजह यह है कि इस दुनिया के कुछ लोगों को अधूरी शिक्षा और अधूरा ज्ञान है। इसलिए विज्ञान ने तरक्की की है, यह बात अच्छी है, पर इस विज्ञान का इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं अपनी आयु बढ़ा रहे हैं, जिससे मृत्यु दर में कमी आ रही है, और कहीं ना कहीं अंधविश्वास भी जनसंख्या बढ़ाने में कारणीभूत है। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश चाइना है, जहाँ 143 करोड़ लोग रहते हैं। वही दूसरे स्थान पर हमारा भारत देश आता है, जहाँ 138 करोड़ लोग रहते हैं। और भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जो शहर है वह मुंबई है, जहाँ पर 1,25,00,000 लोग रहते हैं, और दूसरा दिल्ली है, जहाँ पर 1,10,00,000 लोग रहते हैं। दोस्तों, आपकी क्या राय है बढ़ते जनसंख्या के बारे में, यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। हमारे आने वाले सभी वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।